નમસ્કાર, જેડએસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સંજય રાવલ. તો આગળ વાત કરીએ તો સેલવાસ ટાઉન હોલ ખાતે સ્વાસ્થ્ય વિભાગ, સ્ટેટ એઇડ સોસાયટી, રેડક્રોસના સંયુક્ત ઉપક્રમે રક્તદાન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઔદ્યોગિક એકમોના સંચાલકો, સમાજ સેવિકા સંસ્થાઓ, શૈક્ષણિક રક્તદાતાઓ હાજર રહ્યા હતા. સેલવાસ ટાઉન હોલ ખાતે સ્વાસ્થ્ય વિભાગ, સ્ટેટ એઇડ સોસાયટી, રેડક્રોસના સંયુક્ત ઉપક્રમે બ્લડ ડોનેટ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મુખ્ય મહેમાન સેલવાસ લાયન્સ ક્લબના પ્રમુખ પિંકી ખીમાની હતા. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય બાદ વિભાગીય અધિકારી ડૉક્ટર એ કે મહાલા, ડૉક્ટર દર્શન પટેલ, રેડક્રોસ સેક્રેટરી કુલદીપ સિંઘ એ રક્તદાનનો મહિમા સમજાવી સ્વૈચ્છિક અને નિયમિત રક્તદાન માટે કોક જાગૃતિ કેળવવા પાર બહાર મૂક્યો હતો. આદેશમાં કાર્યરત રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે એલજે સન ફાર્મા, ઇપકા DNH સ્પિનર્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, RR કાબિલ ગ્રુપ દ્વારા સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વના ભાગરૂપે વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધુ કેમ્પ આયોજિત કરી વધુ જથ્થામાં બ્લડ એકત્રિત કરવા બદલ સન્માનવામાં આવ્યા હતા. વ્યક્તિગત 49 વખત બ્લડ આપનારા શૈલેન્દ્રસિંહ, 39 વખત બ્લડ ડોનેટ કરવાવાળા વિશાલ પટેલને સન્માનવામાં આવ્યા હતા. ધાર્મિક સંસ્થા નિરંકારી મિશનની કામગીરી બદલ સન્માનવામાં આવ્યા હતા. આજના કાર્યક્રમમાં રેડક્રોસ બ્લડ બેંક ડૉક્ટર રાજેશ શાહ, કાર્યક્રમના વિભાગીય વડા ડૉક્ટર દર્શન પટેલે સેવા આપી હતી. મુકુલ યાદવ, જેડએસ ટીવી, સેલવાસ. आज जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, जो ग्लोबली मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये रक्तदान दिवस करके मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में ये जो विनोबा भावे कॉटेज हॉस्पिटल यानी DNH के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कई इंडस्ट्रीज़ के लोग आए हैं रक्तदान करने, और लायंस क्लब ऑफ सिलवासा सालों से इस और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ रक्तदान के इस काम में जुड़ा हुआ है, तो हम सबको इस बात के लिए इस कार्यक्रम में बुलाया गया है ताकि जो रेयर ब्लड डोनर्स हैं या जो भी रक्तदान कर रहे हैं उनकी एक उन्हें एक प्रोत्साहन मिले, उनकी प्रशंसा की जाए, ताकि वो आगे जाकर उस चीज़ को कंटिन्यू भी करें और दूसरे लोगों में भी स्प्रेड करें कि रक्तदान एक महादान है और लगातार लोग निरंतर करते रहें, यही एक हम सबकी कोशिश है. आज पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, उसी संदर्भ में हम हमारे दादा नगर में सिलवास में भी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से ये यहाँ टाउन हॉल में प्रोग्राम आयोजित किया है. इस प्रोग्राम का मेन हेतु है कि हमारे जो भी डोनर्स है, पूरे साल में जिन्होंने भी ब्लड दे के किसी की जान बचाई, उसके लिए हमने एक यहाँ फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसके तरह से हम सबको बुला के उनका फैसिलिट किया है. साथ साथ में एक यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप भी चालू है, जहाँ हमारे जो भी भाई लोग आए हैं वो ब्लड दे के आज का दिन मना रहे सर. और सबसे रिक्वेस्ट है, खासकर आपके मीडिया के जरिए की भी रिक्वेस्ट है कि आप भी लोगों में एक मैसेज दें कि भाई रक्तदान एक महादान है, रक्तदान करने से हम किसी की जान बचा सकते हैं. धन्यवाद. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत हर साल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ साल में दो बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करती है, और हर बार 250 यूनिट से ज़्यादा ब्लड बैंक में दिया जाता है, ताकि दादरा नगर हवेली में ब्लड की किसी प्रकार की कमी ना हो. तो उस क्षेत्र में हम निरंतर प्रयासरत हैं, और हमारा
ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। और इसी संदर्भ में आज वर्ल्ड डोनर डे पे रेड क्रॉस सोसाइटी और डायरेक्टरेट मेडिकल सर्विसेज दादरा नगर हवेली की तरफ से हमें प्रोत्साहित किया गया। ये जो विश्व रक्तदान दिवस आज सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसके पीछे उपेक्षा ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करें, उसको प्रोसेस करें और सेफ ब्लड ज़रूरतमंदों को जो हॉस्पिटल में या कहीं नर्सिंग होम्स में किसी पीड़ा में हैं तो उनको जीवन दान दे सकें। ये जो कार्यक्रम है सबके सहयोग से ही चल पा रहा है। जो रेड क्रॉस ब्लड बैंक चला रही है, अकेले में कुछ नहीं कर पाते, जब तक हमारे साथ में मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का और स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी और बाकी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इंडस्ट्री सिलवासा इंडस्ट्री एसोसिएशन कह लें या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड क्रॉस है, सॉरी ये लाइन्स क्लब है और निरंकारी मंडल हैं, ऐसी एसोसिएशन जो हैं हमारे पास में, जो जिनों के